ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पिछले कुछ दिनों से भारत में कोरोना वायरस हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहा है। शुक्रवार को देश में 24 घंटे में कोरोना के 81,466 नए केस दर्ज किए गए और 469 मौतें हुई हैं। नए साल में एक दिन में दर्ज होने वाले नए केसों का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। गुरुवार को 72,330 नए केस यानी नए केस के मामले में एक ही दिन में करीब 9,000 का उछाल आया। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना के 6,00,000 से ज़्यादा एक्टिव केस हैं और अब तक कुल 1,06,396 मौतें हो चुकी हैं। शुक्रवार शाम तक देश में टीकाकरण 7 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक देश में कोरोना वैक्सीन की 7 करोड़ से ज़्यादा डोज लगाई जा चुकी हैं। शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट सचिव ने बताया कि इसको लेकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने की तैयारी चल रही है। समीक्षा बैठक भी की, इसमें कहा गया 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में हालात चिंताजनक है। खासकर महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़ में हालात सबसे ख़राब हैं। केंद्रीय कैबिनेट सचिव ने कहा कि कोरोना केस की वृद्धि दर जून 2020 में 5.5% से बढ़कर 2021 में 6.8% हो गई। मौतों में भी वृद्धि हुई है।